हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के शर्मा नवीन आईटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आगे हम टॉपिक को डिस्कस करते चलेंगे। हमारा टॉपिक है आज का एसी और डीसी में बहुत सारे अंतर। यानी पहले मैंने आपको कुछ एसी और डीसी के वेव फॉर्म्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। ये पार्ट तुम्हारा वीडियो का रहेगा। चलिए, ये सब किस में आता है दोस्तों? हमारा बेसिक लेक्चर चल रहा है सारा हमारा, ठीक है। आपकी सप्लाई हमने बताई थी एसी और हमने डिस्कस किया था आपका डीसी, ठीक है। तो देखिए, आपका जो इलेक्ट्रिकल है, आपका जितने हमारे टॉपिक्स रहेंगे, आपको सबसे पहले इसमें आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा अपने आप से, तब जाके चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो हमारा एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है? देखिए, एसी करंट जो हमारा होता है, हमने पढ़ा था आपका अल्टरनेटिंग करंट, इसको हम बोलते हैं आपका अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको प्रत्यावर्ती विद्युत धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, इसको हम कहते हैं। डीसी करंट जो आपका होता है वो आपका होता है डायरेक्ट करंट, इसको हम बोलते हैं आपका डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को आपको हिंदी में बोला जाता है डिस्ट धारा। तो आपके दो प्रकार के करंट होते हैं, एक एसी और एक डीसी, एक अल्टरनेटिंग करंट और एक आपका डायरेक्ट करंट। इसकी कुछ हमने वेवफॉर्म्स को डिस्कस किया था, जैसे कि हमने आपको एक वेवफॉर्म बताई थी पहले, एक साइन सोडल या इसको बोलते हैं साइन वेव। एक हमने बताई थी एसी की आपको स्क्वायर वेव, और एक हमारी होती है हमारी सातूत वेव। तो इस प्रकार से हमारे दोस्तों क्या होते हैं, एसी की वेव फॉर्म्स हमने आपसे डिस्कस की थी। एक वेव फॉर्म ने और डिस्कस किया था जिसको हम बोलते थे ट्रेपेजोइडल वेव फॉर्म, ये इस प्रकार से। तो हमारी हमारी एसी की वेव फॉर्म्स है, डीसी की फॉर्म भी हमने डिस्कस किया था। उनका क्या क्या था हमारा, देखिए, एक तो हमारी प्योर डीसी थी, एक हमारे पास आती है पल्सेटिंग डीसी, ठीक है, एक हमारे पास आती है वेरिंग डीसी, ठीक है। तो तीन प्रकार की हमारे पास डीसी की वेवफॉर्म्स थी और तीन चार प्रकार के हमने एसी की वेवफॉर्म को डिस्कस किया था। आज हम कुछ डिस्कस करते हैं आपका एसी और डीसी में कुछ डिफरेंसेस अंतर करते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, बहुत से कार्य हमारे पास सप्लाई है, एक एसी भी है और एक तरफ क्या लिख देते हैं हम डीसी। तो दोनों में कोई डिफरेंस लेके चलते हैं कि आपका एसी में क्या अंतर रहेगा, डीसी में क्या अंतर रहेगा। देखिए, एसी में सबसे पहला आपका अंतर आपको पता है, पहला अंतर कि पहला डिफरेंस कि एसी क्या करता है, आपका टाइम के रेस्पेक्ट में अपना जो डायरेक्शन होता है और उसका क्या होता है एम्पलीट्यूड, और क्या इसका एम्पलीट्यूड, दोनों को क्या करता है चेंज करता रहता है। क्या करता रहता है दोस्तों? आपका चेंज करता है। ए सी की बात करें तो ए सी करंट आपका टाइम के रेस्पेक्ट में अपना डायरेक्शन एम्पलीट्यूड दोनों को चेंज करेगा। डायरेक्शन एम्पलीट्यूड कैसा होता है, देखिए, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, ये इसको हम क्या बोलते हैं आपका एम्पलीट्यूड, इसको हम क्या बोलते हैं आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये इसका आपका क्या कहलाता है, आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है। और ये देखिए, पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में चला और फिर किस डायरेक्शन में, नेगेटिव। तो एसी करंट वो करंट होता है जो टाइम के रेस्पेक्ट में अपना डायरेक्शन एम्पलीट्यूड दोनों को चेंज करता है। तो इसमें समय के साथ आपका डायरेक्शन भी चेंज होगा, एम्पलीट्यूड भी चेंज होगा। बात करते हैं आपकी डीसी की, तो डीसी टाइम के रेस्पेक्ट में ना तो डायरेक्शन चेंज करेगा और ना ही आपका एम्पलीट्यूड, वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। क्या चलता है? कॉन्स्टेंट, यानी कुछ इस प्रकार से। तो एक अंतर हमारा ये हो गया कि एसी जो होता है टाइम के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन का एम्पलीट्यूड चेंज करता है, डीसी एम्पलीट्यूड डायरेक्शन चेंज नहीं करता। दूसरा हम बात करते हैं, अब देखिए, आपने वेवफॉर्म बनाया है, ये डीसी के लिए वेवफॉर्म है और ये आपका एसी के लिए वेवफॉर्म है, ठीक है। तो इसमें देखिए, हमने एक टर्म पढ़ा है आपका फ्रिक्वेंसी, एक हम टर्म पढ़ते हैं आपकी फ्रिक्वेंसी। चीज़ों को रिलेट करते पड़ेंगे तो आपको सारे अंतर इसमें याद होते रहेंगे, ठीक है। बस आपको चीज़ों को रटना नहीं है, आप लोग रटना बिल्कुल नहीं है, आपको चीज़ों को समझ के चलना है, ठीक है। रिलेट करते चलेंगे सारी चीज़ें आपको बेसिक से बिल्कुल। देखिए, फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी आपने पढ़ा होगा, फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन आपकी होती है कि एक सेकंड में तय की गई चक्रों की कुल संख्या को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी कहते हैं। यानी साइकिल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, साइकिल पर सेकंड, या एक साइकिल को बनने में लगा, यानी एक साइकिल हमारा कितना समय में पर चलती है, या साइकिल पर सेकंड बोलेंगे कि एक सेकंड में तय की गई चक्रों की कुल संख्या, ठीक है ना। यानी एक सेकंड में तय की गई चक्रों की कुल संख्या को हम क्या बोलेंगे, आपकी फ्रिक्वेंसी बोलेंगे, साइकिल प्रति सेकंड। तो इसमें साइकिल प्रति सेकंड आपको ये बनती है, तो कितनी आती है दोस्तों आपको, 50 हर्ट्ज। तो जो एसी की जो फ्रिक्वेंसी आपकी निकलती है वो कितनी आती है आपकी, 50 हर्ट्ज या साइकिल पर सेकंड,
ठीक है, ये एक मात्रक होता है आपका फ्रिक्वेंसी का, हर्ट जिसे बोलते हैं, और भारतीय फ्रिक्वेंसी है जो हमारी ये थी कि वो 50 हर्ट्ज में लेते हैं। तो एसी की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। अब देखिए डीसी में कोई साइकिल पर सेकंड है क्या? नहीं है। डीसी में कोई साइकिल पर सेकंड है? नहीं है, क्योंकि डीसी क्या है, टाइम कांस्टेंट, कॉन्स्टेंट है ना, तो डायरेक्शन को चेंज करता ना एम्पलीट्यूड को, चलता रहता है, तो कोई साइकिल पर सेकंड है ही नहीं। तो डीसी की फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई आपकी? जीरो। जीरो हर्ट्ज होती है ना, जीरो फ्रिक्वेंसी, कोई फ्रिक्वेंसी है ही नहीं, कोई साइकिल पर सेकंड है ही नहीं इसमें। जब साइकिल पर सेकंड नहीं है तो फ्रिक्वेंसी कितनी होगी आप लोगों की? जीरो। अगला पॉइंट देखते हैं आपका, देखिए अब हमारा बात करते हैं, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा आपका, एक होता है एक्सेल, एक हमारा होता है क्या, एक्सी। ठीक है, एक्सेल की हम बात करें तो एक्सेल क्या होता है आपका, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक हमारा होता है एक्सी, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, हमारे पास दो चीजें होती है, एक्सेल होता है, एक्सी होता है। एसी के केसेस की बात करें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू होती है आपकी, एक्सेल की जो वैल्यू हम लेके चलते हैं वो आपकी होती है, एक्सेल इज इक्वल टू लिखते हैं 2 πfL लिख सकते हैं, या आप सब क्या लिख सकते हैं, एक्सेल इज इक्वल टू ω L, क्योंकि जो ओमेगा की वैल्यू जो आपकी होती है ये होती है 2 πf। ओमेगा की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 2 πf। तो आप इसको लिख सकते हैं, आपको दो तरह से लिखा मिल सकता है, एक्सेल इज इक्वल टू ω L और एक्सेल इक्वल टू 2 πfL। एक्सेल आपका क्या होता है, एक्सी आपका क्या होता है, आपका जो डिस्कस करेंगे थ्योरी तो वहां पर पूरी चीज आएंगी आपकी। ठीक है, एक्सेल की वैल्यू निकल कर आती है 2 πfL हमारी, ये लिख सकते हैं आप, ω L लिख सकते हैं। बात करते हैं आपके एक्सेल की, हमने भी पढ़ा है एसी में कि एक्सेल इक्वल टू क्या होता है, 2 πfL। ठीक है, 2 πfL होता है हमारा। अब देखिए 2 πfL, एफ फ्रिक्वेंसी होती है, एल इंडक्टेंस होता है हमारा। तो एफ फ्रिक्वेंसी, डीसी के केस में बात करें, डीसी के केस में बात करें तो डीसी में फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? जीरो होती है। अगर मैं आपका इनकी वैल्यू पुट करूँ और फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। इंडक्टेंस हमने कुछ भी ले लिया, मान लो 1 ले लिया और मल्टीप्लाई जीरो है हमारा, तो सब वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? जीरो हो जाएगी। तो डीसी के केस में इंडक्टेंस की वैल्यू क्या आती है आपकी? जीरो आती है। तो एक आपका डिफरेंस हो जाएगा कि एसी सर्किट में, यानी एसी सर्किट में, एसी करंट में आपका, आपके एक्सेल के लिए कितनी होती है? 2 πfL होती है, परंतु डीसी में हमारी एक्सेल के लिए कितनी होती है? जीरो होती है। यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस डीसी में कितना होता है? शून्य होता है। इसी के कारण आपका ट्रांसफार्मर जो होता है वो डीसी पर ऑपरेट नहीं होता है। ठीक है ना, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है कि ट्रांसफार्मर इट्स नॉट वर्क ऑन डी सप्लाई, इट्स ओनली वर्क फॉर ए सप्लाई। ट्रांसफार्मर आपका केवल ए सप्लाई वर्क कर सकता है, डी सप्लाई वर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए कितनी हो जाती है आपकी? जीरो हो जाती है। अब बात कर लेते हैं आपका एक्सी। अब देखिए अगर आपने नोट कर लिया तो उसको मिटा देते हैं। चलिए आपको एसी डीसी में बहुत सारे अंतर मिल जाएंगे, बहुत सारे अंतर आपके हैं। आप जितना पढ़ते हो, जितना पढ़ोगे आप लोग, आपकी बुक्स में भी आपको बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे, पर चीजें आपको समझते हुए चलनी है, रटना नहीं है चीजों को। ठीक है ना, समझते हुए चलना है तो आप नहीं भूलेंगे इस चीज को। अब बात करते हैं आपको एक्सी की। एक्सी इज इक्वल टू क्या होता है, लिखते हैं इसको 1/ωc। क्या लिखते हैं? 1/ωc आप लिख सकते हैं। इसको क्या लिखते हैं? ओमेगा मैंने आपको बताया था 2 πf, तो लिखते हैं 1/2 πfc। ठीक है, अब देखिए ये हमारी होती है किसमें, एक्सी की वैल्यू, एक्स इक्वल टू 1/2 πfc एसी के केस में। यानी हम अंतर लेके चल रहे थे यहाँ पर, कौन से सप्लाई के? एसी के। इधर अंतर थे हमारे किसके? डीसी सप्लाई के। तो डीसी में देखिए एक्सी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 πfc, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। फ्रिक्वेंसी बटे में देखिए यहाँ पर जीरो हो जाएगा, जीरो तो मल्टीप्लाई करेंगे सारा जीरो हो जाएगा, तो करेंगे 1/0, तो क्या आता है? इनफाइनाइट। यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू डीसी के केस में कितनी आती है आपकी? इनफाइनाइट आती है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक अंतर हो गया कि एक्सएल की वैल्यू पूछे आपसे एसी में तो 2 πfL, डीसी में पूछे तो जीरो। एक्सी की वैल्यू एसी में कितनी होती है? 1/2 πfc होती है, 1/ωc लिख सकते हो। इसी प्रकार से डीसी में कितना होता है, एक्सी की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट आती है। अब देखिए बहुत से कार्य है, देखिए अब हम बात करें आपका एसी में आप क्या लोग लेते हैं, एक आपका बेसिक अंतर है फेज ले सकते हो, न्यूट्रल ले सकते हो। डीसी में आपने देखा होगा क्या क्या लेते हो आप, डीसी में क्या कर लेते हैं आप, एक पॉजिटिव लेते हैं और एक क्या लेते हैं आपका, नेगेटिव लेते हैं। एसी की बात करें तो एसी को आप स्टेप स्टेप डाउन कर सकते हैं यूजिंग अ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर की सहायता से एसी को इजीली से स्टेप अप किया जा सकता है और स्टेप डाउन किया जा सकता है। ठीक है ना,
स्टेप अप किया जा सकता है, स्टेप डाउन किया जा सकता है, इसकी सहायता से ट्रांसफार्मर के द्वारा से, ठीक है ना। यानी एसी को स्टेप अप करना, स्टेप डाउन करना सरल होता है एज कम्पेरिजन टू डीसी। डीसी सप्लाई को स्टेप डाउन नहीं किया जा सकता एकदम से। तो देखिए इसको हम स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते, यानी ट्रांसफार्मर में इसको वर्क हम करा ही नहीं सकते हैं। तो इजीली से आपको इसको स्टेप डाउन नहीं किया जा सकता। हालांकि एक हमारे पास डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं चॉपर। चॉपर खैर आईटीआई में तो आप सब लोगों से पूछा नहीं जाता है, परंतु एसी टू एसी कन्वर्ट जैसा आपका करता है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने का जो कार्य होता है, यानी आपकी बात करें वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का कार्य जो करता है आपका एसी सप्लाई में, वो करता है ट्रांसफार्मर। इसी प्रकार से डीसी सप्लाई को बढ़ाना घटाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है ना। डीसी को हम ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं। तो आपको एक अंतर ये भी याद रखना है कि वोल्टेज को लेवल को या करंट के लेवल को बढ़ाना घटाना है तो एसी सप्लाई से ट्रांसफार्मर के द्वारा इजीली से घटाया बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि वर्क ऑन जो ट्रांसफार्मर आपको वर्क करेगा केवल किस पर करेगा, आपका एसी पर। डीसी पर ये वर्क नहीं करेगा, डीसी पर वर्क ये आपका नहीं करेगा, कौन हमारा ट्रांसफार्मर। अब बात करते हैं, देखिए डीसी सप्लाई जो होती है हमारी वो पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल का मतलब है आप इसको स्टोर करके एक जगह से दूसरे जगह से ले जा सकते हैं, यानी जो एसी आपकी जो होती है उसका आप स्टोर नहीं कर सकते, ये स्टोर नहीं होगी। जैसे ही आपका जनरेटर आपकी वोल्टेज बनाएगा, आप उस लोड लेते रहो, आप और लोड लगाएंगे तो आपको करंट मिलता रहेगा, वोल्टेज मिलता रहेगा। आप यानी इसको हम पोर्टेबल नहीं बना सकते, एक जगह से दूसरे जगह को हम नहीं लेके जा सकते, क्योंकि एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते। डी स्टोर किया किससे किया जा सकता है आपको, केवल डीसी सप्लाई को। तो डीसी सप्लाई को स्टोर करेंगे जैसे आपका बैटरी होती है, बैटरी में स्टोर कर सकते हैं आप, आपका सेल होता है, ठीक है ना। अब आपका घड़ी का सेल हो या बैटरी हो आपकी, तो बैटरी में आप स्टोर कर सकते हैं, सेल के द्वारा स्टोर कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब स्टोर कर लेंगे जैसे आपका मोबाइल की बैटरी होती है, लैपटॉप होता है आपका, आपकी वॉच होती है, तो उसमें क्या होता है सेल डला होता है। तो सेल में क्या आपका ईएमएफ होता है, वोल्टेज हमारे पास, तो वोल्टेज आप घड़ी पहन के कहीं जा सकते हो, फोन लेके जा सकते हो ना भाई, बैटरी तो उसमें है कनेक्ट। अब चार्जिंग पे फोन लगाता है थोड़ा ना, ऐसा थोड़ा ना कि आप फोन चार्जिंग पे लगाएंगे तभी चलेगा भाई, ऐसा थोड़ा है कि आपने प्लग में लगाया और आप फोन लेके बैठ रहे हैं तभी चलेगा बाहर निकल, ऐसा थोड़ा है। आपके उसको चार्ज को स्टोर रहता है, बैटरी को चार्ज कर लेते हैं, आपकी बैटरी जो 100% चार्ज हो जाती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं जब तक बैटरी ड्रेन ना हो, यानी जब तक 0% बैटरी ना आए तब तक यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है हमारी, तो ये सारी किस्म आती है पोर्टेबल सप्लाई में आती है, और ये केवल किसके संभव है डीसी के द्वारा। यानी जो डीसी सप्लाई होती है हमारी वही क्या होती है पोर्टेबल, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्टोर करके ले जा सकते हैं यूजिंग बैटरी और आपका सेल के द्वारा, ठीक है। अगला, इसको हम स्टोर कर ही नहीं सकते हैं भाई, क्योंकि टाइम के एस्पेक्ट में चेंज होता रहता है, ठीक है ना। टाइम के एस्पेक्ट में डायरेक्शन एम्पलीट्यूड दोनों को चेंज करता रहता है, तो इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, यानी पोर्टेबल नहीं है। ये प्रायोरिटी क्या होती है, पोर्टेबल होती है, तो उसका आप बोल सकते हो डीसी पोर्टेबल, ये क्या हमारी ये पोर्टेबल होती है, और ये क्या हमारी नॉन पोर्टेबल है। अब एक इसमें हमारा आता है दोस्तों स्किन इफेक्ट, क्या आता है स्किन इफेक्ट, यानी इसमें हमारा स्किन इफेक्ट होता है, यानी स्किन इफेक्ट इसमें क्या होगा, यस हमारा जो एसी सप्लाई जो होती है, एसी सप्लाई हमारे कंडक्टर जो होता है ना हमारा कोई कंडक्टर है, तो एसी केवल कंडक्टर है, हमारे सरफेस से फ्लो होती है, कहाँ से फ्लो होती है उसके सरफेस से फ्लो होती है। परंतु डीसी की बात करें तो डीसी पूरे जो वायर आपका जो होता है वायर के पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो होगी, ठीक है। डीसी पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो होती है, तो स्किन इफेक्ट जो होता है हमारा केवल कौन सप्लाई पर होते हैं, एसी सप्लाई पर। एसी सप्लाई पर स्किन इफेक्ट वैल्यू होती है, स्किन इफेक्ट होता है, और डीसी सप्लाई पर स्किन इफेक्ट हमारा नहीं होगा। स्किन इफेक्ट जो होता है वो डीसी सप्लाई पर हमारा नहीं होता है। तो एसी में स्किन इफेक्ट आपका होगा, डीसी में स्किन इफेक्ट आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे आपके अंतर आते हैं, आप अंतर तो आप कितने भी लेके आ सकते हैं कि जहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पर डीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ आपके अंतर में ही आएंगी, ठीक है ना। बस आपको बेसिक सी चीज़ याद रखनी है कि जो बेसिक चीज़ें पूछी आती हैं कि किसको हम स्टेप कर सकते हैं, किसको स्टेप डाउन कर सकते हैं, किसके द्वारा स्टेप अप करेंगे आप एसी को, डीसी को कैसे कर सकते हैं। डीसी को स्टेप डाउन करने के लिए हमारे पास चॉपर आता है, जैसे ट्रांसफार्मर के प्रकार होते हैं ना, ऐसे कुछ चॉपर के प्रकार भी होते हैं। एक स्टेप अप आता है और एक स्टेप डाउन आता है, तो खैर वो अलग चीज़ हो जाती है थोड़ी, वो आपसे आईटीआई लेवल में इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो पूछी जाती है चीज़ें वो आपसे पूछे जाता है कि एसी को हम स्टेप डाउन किसके द्वारा कर सकते हैं, तो वो ट्रांसफार्मर के द्वारा करते हैं, और डीसी में जो स्टेप डाउन स्टेप कर सकते हैं वो चॉपर के द्वारा होता है, पर वो एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के द्वारा
प्रदर्शित किया जाता है, तो वहाँ पर उस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्किन इफेक्ट की हम बात करेंगे, स्किन इफेक्ट आपका किस में होता है, हमारा ए सी प्लाई में हो सकता है, डी सी में आपका स्किन इफेक्ट कोई नहीं होता है। तो बहुत सारे अंतर इस प्रकार से आपको मिलेंगे, आप कहीं से आपकी बुक्स जो होती हैं आपकी, आप बुक्स के द्वारा पढ़ सकते हैं, बहुत सारे अंतर आपको देखने को मिलेंगे। पर जो बेसिक्स अंतर थे आपके, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जो पूछे जाते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही कहना चाहेंगे, धन्यवाद।